हमने बार बार सत्ता में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय गृहमंत्री जी से कहा, हमारे महापुरुषों को छीनने का काम कर रही सरकारें, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रही सरकारें, आप लोगों को कदम है भगवान श्री राम की। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे तभी सीधा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में राजपूत समाज में आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपनी ही, या ये कहें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अपनी ही सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए और अब ढूंढ रहे हैं कि भाई जो भाजपा को हराएगा हम उसे वोट देंगे। ऐसा क्या हुआ? इस ये जो आंदोलन अब हुआ है इसकी नींव कहां पड़ी? आखिर घी किस मुद्दे ने डाल दिया? क्या वजह रही? क्या आगे की तैयारी है? और क्या कितना असरदार मानते हैं इस आंदोलन को? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ठाकुर पूरन सिंह जी, जो किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष भी हैं और पश्चिमी यूपी में इस आंदोलन की एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए ये सारे सवाल इनसे पूछे जाएंगे, इनसे जो जवाब है वो लिया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरन जी। धन्यवाद सर। कैसे ये जो इतनी नाराजगी है, गिले शिकवे, इतनी शिकायतें, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस पार्टी के साथ आप लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे चुनाव में, आपका पूरा समाज और कोर वोट बैंक माना जाता है जो क्षत्रिय समाज है, अचानक उसकी इतनी नाराजगी क्यों हो गई अपनी ही सरकार से, अपनी ही पार्टी से? इस खिलाफत की वजह क्या है सर? देखो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं एक बात समझाऊं कि ये कोई एक दिन का आंदोलन नहीं, एक दिन की नाराजगी ये नहीं है, ये महीनों की भी नाराजगी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से जातिवाद के नाम पे इस समाज को गाली देने का काम, आप समझो कि कभी मुगलों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता, कभी इन्होंने रियासतें ली तो समझौते करके रियासतें ली, कभी गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कभी गुजर सम्राट मीर भोज के नाम पे। और हम सरकारों को हमेशा ये समझाते रहे कि ये दो समुदाय के बीच में जो खाई आप लोग पैदा करने का प्रयास कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आपका धर्म है कि आप इन्हें समझावे, इन्हें वास्तविकता में लेकर आवे, नहीं तो दो समाज और ये देश कहीं ना कहीं एक बड़े बंटवारे में जाएगा। हुआ क्या? हम लोगों ने कहा कि आप कैराना पे प्रदीप चौधरी को टिकट ना दें। हम लोग विरोध बीजेपी का नहीं कर रहे थे, हम लोग उस व्यवस्था का कर रहे थे जो हमारी वोट लेने के बाद हमारे खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने खुले मन से ये कहा कि मैं पहले अपने समाज का हूं, पार्टी का बाद में। हम तब अपने नेताओं के पास भी गए, लेकिन हमारे नेताओं ने एक शब्द भी हमारे लिए बोलने का प्रयास नहीं करा। तब क्या करता ये राजपूत समाज? क्या तब भी चुप बैठ कर तमाशा देखता? और उन महापुरुषों को जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने हमारे लिए गर्दनें कटवाई, हमारे लिए बलिदान करा, हमारे लिए रियासतें दी, क्या जवाब देते हम उनको कि जब तुम्हें लोग गालियां दे रहे थे तो हम घरों में चुप बैठे थे? ये उसका आक्रोश है, ये उस जो समाज को गाली देकर नेता बनने की परंपरा इस देश में हुई, ये उसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, यदि स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी तो फिर राजपूत समाज नहीं, कोई भी समाज हो वो फिर विरोध करेगा, और उसका अधिकार है लोकतंत्र में विरोध करने का। तो ये विरोध कोई एक दिन का, दो दिन का, चुनाव का नहीं है। 29 मई की घटना यदि मैं याद दिलाऊं, सहारनपुर में जब हमारे खिलाफ गंदी गंदी गालियां दी गई, समाज को गंदे गंदे शब्दों से प्रयोग करा, माँ बहनों को गालियां दी गई, और तब हमारे युवाओं ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया कि भाई हम अपने स्वाभिमान को कैसे बचाना है, और हमारे जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर, हमारे कप्तान सहारनपुर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि ये कार्रवाई हुई, यदि इन लोगों ने यात्रा निकाल ली तो सरकार का आदेश आ चुका है, इन पर एनएसए की कार्रवाई होगी। और फिर क्या कहा कि देखो सरकार का आदेश है कि किसी पे एक मुकदमा भी नहीं लगेगा, तो कब तक अपमान का घूंट पिए? और आज लोकतंत्र में हम लोग
पश्चिमी यूपी में इस विवाद ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। पश्चिमी यूपी, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और ये दादरी वगैरह के जो क्षेत्र है वहां पर मुझे अच्छे से याद है काफी तूल पकड़ा था। लेकिन अक्सर बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो जाति में बांटने का काम हो रहा है, जो क्षत्रिय समाज है उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अनदेखी हो रही है। तो इसके अलावा ये तो मान लेते हैं चलिए तब से आपकी नाराजगी है, लेकिन अचानक ये आक्रोश में कैसे बदल गई, अब ऐसा क्या हुआ? देखो अभी ना आप समझो कि हम लोग एक हर आदमी लोकतंत्र में अपनी एक बात कहने का एक तरीका, सरकार ने हमारी सुनी नहीं, सांसदों ने हमारी सुनी नहीं, जब हमारी सरकार ने नहीं सुनी, अधिकारियों ने नहीं सुनी, सांसद ने नहीं सुनी, तब हम लोगों ने कहा कि अब हम समाज के बीच में जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को हमने वोट देकर बनाया अब हमारे पास मौका है कि हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में तलवार से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लोकतंत्र में लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी या फिर वोट से लड़ी जाएगी। हमने कहा अब हमारे पास मौका है, हम समाज में जाएंगे, और समाज में जाके हमने देखो कितनी बड़ी बात कही फिर भी भारतीय जनता पार्टी को, कि कैराना लोकसभा पे आप सैनी समाज को टिकट दो, आप जाट समाज को टिकट दो, कश्यप समाज को टिकट दो, त्यागी को, ब्राह्मण को, जिसे आप टिकट दें आप टिकट दें, हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो प्रदीप चौधरी जी जिन्होंने इसमें एक बार अपनी गलती तक स्वीकार नहीं करी, यदि इन्हें टिकट मिलेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और क्या हुआ कि पहली लिस्ट, जब पहली लिस्ट जारी हुई तो सहारनपुर से लगा के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर सारी सीट होल्ड रखी गई, लेकिन सबसे पहली लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति का नाम आया तो वो भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में जो प्रत्याशी प्रदीप गुज्जर का नाम आया। तो समाज इससे ज्यादा क्या कहे, समाज फिर भी बर्दाश्त करें कि इतना विरोध करने के बाद भी फिर भी हमें चैलेंज के साथ ये कहा गया कि भाई हमने दे दिया टिकट, आप पे जो हो तो कर लो, फिर समाज क्या करता, कहीं ना समाज ने आंदोलन भी है। गाजियाबाद से वीके सिंह का भी टिकट कटा था, अतुल गर्ग को दिया गया है, इसके अलावा देखो ये, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि करीब 40 से ज्यादा विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के देखें तो वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपके जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, हम सबके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, यानी तमाम नेता तो आपके क्षत्रिय समाज के बड़े ऊंचे औहदे पर है, ऊंचे पद पर है भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर अचानक ऐसी नाराजगी क्यों? राहुल जी ये लड़ाई किसी के टिकट कटने की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, ये लड़ाई रक्षा मंत्री की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये किसी के टिकट कटने की लड़ाई नहीं है, क्योंकि टिकटों की लिस्ट जब जारी हुई उससे पहले हम लोगों ने 7 जनवरी से हम लोग लगातार प्रयास में रहे, और हम लोगों ने 7 जनवरी से लिया, फिर 10 मार्च को एक पंचायत करी, और 10 मार्च में जब हम लोगों ने पंचायत करी तो मैंने पहली मीटिंग में ये कहा, यही सवाल मेरे से एक पत्रकार भाई ने पूछा, तो मैंने कहा मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे राजपूतों के टिकट कटे, क्यों कटे, क्योंकि हम दुखी थे उस समय जब हमारे भाइयों पर लाठी बज रही थी केथड़ में, जब हमारा समाज सड़कों पर था सहारनपुर में, तब हमारे समाज का एक भी सांसद एक भी विधायक जब नहीं बोल रहा था तो हम दुखी होकर सड़कों पर थे, तो हमने ये टिकट की लड़ाई नहीं है। सवाल इसलिए उठा क्योंकि सर जिस तरीके से टिकटों की घोषणा हुई, टिकटों के जो ऐलान हुए उसके बाद से ही अचानक से जो समाज है क्षत्रिय समाज उसने अपनी आवाज बुलंद की, मोर्चा खोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक केंद्रीय मंत्री हैं उनके बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है जो गुजरात। देखो राहुल जी आप समझो के पहले चरण के चुनाव में मात्र 10 दिन है, और पुरुषोत्तम रूपाला इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो अदालत लगेगी इस देश में उसका एक सांसद जो भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रत्याशी बना, वो ये कहे कि राजपूत तो अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता रखते थे, तो मुझे बताओ जो समाज 100% भारतीय जनता पार्टी को तब लेकर आया तब इसका कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था। मतलब आप देखो आप बार बार बेइज्जती करवाओगे, आप बार बार अपने सांसदों पे लगाम नहीं लगाओगे, पार्टी के नाम पे आप ये कहोगे कि आपका मुख्यमंत्री है, आपके रक्षा मंत्री है, आपके खेल मंत्री है, और हम इस नाम पर वोट दियो जाके हमारे समाज को एक मुख्यमंत्री मिल गया, हमारे समाज को रक्षा मंत्री मिल गए, और हमारे महापुरुषों को और हमारी माँ बहनों को गाड़ी मिले, और हम गाड़ी खा खा के पद ले रहे हैं। ये क्षत्रिय स्वाभिमान है, ये पद का भुक्का नहीं है। इन्होंने पद पता नहीं कितनी बार त्याग दिए, कितनी बार राज, कितनी बार पाठ, कितनी बार अपनी
अपने प्राण ताक दिए, लेकिन स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अगर मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि उस जो लोग हमारा अपमान कर रहे थे उन्हें संरक्षण देने का यदि किसी ने काम करा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, और फिर हम चुप रहे हैं। और कुछ और कहानी भी पता चल रही है, कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो खेल है, जैसे पूर्व में माना जाता है कि ठाकुर समाज से या छत्री समाज से एक राजनाथ सिंह और योगी बड़े नेता हैं, लेकिन अगर पश्चिम की बात करें तो सुरेश राणा और संगीत सोम ये दो नेता हैं। इनकी अनदेखी एक तो ये बड़ी वजह मानी जा रही है, और दूसरा बताया जा रहा है कि इन्हीं के इशारे पर जो कुछ हो रहा है पश्चिम में वो हो रहा है। आप लोगों को देखो राहुल जी, देखो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी प्रदीप गुज्जर जी के पर्चा भरवाने में साथ रहे, वो उनका जो उनका उद्घाटन हुआ कार्यालय का तब भी उनके साथ रहे। देखो अगर ये आरोप लगाने हैं तो आरोप लगाने के तो आप कुछ भी लगवा में, ये इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या करा मुझे नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति साथ में खड़ा होकर चुनाव नगर में कुछ दिन पहले संजीव बालियान के ऊपर हमला होता है, जिसके बाद खबरें ये आती हैं कि मुजफ्फरनगर में एक गांव है जो राजपूत बाहुल्य गांव है वहां पर हमला होता है, खबरें ये भी आती हैं कि संगीत सोम के भाई एक दिन पहले वहां जाते हैं, जिसके बाद फिर जब बालियान जब पहुंचे अगले दिन तो पथराव हुआ। तो कहीं ना कहीं सूत्रों से हमें जानकारी ये भी मिली कि योगी जी ने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संदीप बालियान और संगीत सोम के साथ बैठक की, तो मामला मतलब आलाकमान तक पहुंच चुका है। आपकी नाराजगी की खबर लखनऊ दिल्ली तक तेज है, हलचल तेज है, तो क्या आप अगर आपके आलाकमान बड़े नेता मनाएंगे तो मान जाएंगे? नहीं मेरा ना एक आप बात सुनो, ये जो घटना है ना, ये जो घटना बड़े गांव राजपूत बड़े गांव में घटना का जो संज्ञान लिया गया जो आपने प्रश्न करा, ये घटना पिछले वर्ष जब माननीय चौधरी सुरग्य चौधरी अजीत सिंह जी जब यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी माननीय जैन जी की जो पत्नी धर्म पत्नी चारू वो यहाँ जब चुनाव प्रचार में आई, एक हमारे पास थाना चितावी में एक गाँव पड़ता ढिंडावली नगर, वहां हमला हुआ, तो क्या वो ठाकुरों का गांव था पिछले चुनाव में कि भाई ठाकुरों ने हमला किया वहां तो जाटों का गांव था? देखो तो मेरा मानना यह है कि मैं माननीय हमारे मंत्री संजीव बालियान जी हूं, अगर उन पे किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने ये हमला करके ये जाहिर करने का प्रयास करा कि भाई हम लोगों हमला करके हम लोग आक्रोश करेंगे, उसे मैं निंदा करता हूं उसकी, लेकिन मेरा विरोध किसी प्रत्याशी से अब नहीं है, इस समाज का विरोध अब उससे है जिस पार्टी को हम 100% वोट दे। हमने कभी नहीं देखा जाट प्रत्याशी है, कश्यप प्रत्याशी है, दलित प्रत्याशी है, गुजर प्रत्याशी है, हमने कभी नहीं देखा, हमने सिर्फ एक बात देखी कि हाँ भाई ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, इसका निशान कमल का फूल है। हम लोगों ने कभी नहीं पूछा तुम्हारी जाति क्या, तुमने हमें कितनी बार गालियां दी हमने, लेकिन ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई किसी के टिकट की नहीं है, किसी के आक्रोश की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए था और सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम कांग्रेस नहीं है, इस देश का नाम भारत है, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करता। राष्ट्रीय समाज का नेतृत्व कर रहा है पश्चिमी यूपी में, तो आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं तो विकल्प कौन, किसके साथ जाने का मन बना रहे हैं? देखो महाभारत के युद्ध में तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया तो उन्होंने भी एक बार ये सवाल करा था कि भाई अब जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं दुर्योधन की तरफ से, जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं युधिष्ठिर की तरफ से, वो अपना निर्णय ले सकते हैं। तो दुर्योधन के एक भाई थे, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई मैं तो युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध करूंगा, और वो युधिष्ठिर की तरफ से उन्होंने युद्ध करा। ये तो युद्ध है और इसमें कोई निर्णय नहीं है किसी के पक्ष में, सिर्फ एक निर्णय ये है कि जिस पार्टी में रह के जिन सांसदों ने विधायकों ने हम लोगों को गाली दी, हम उस पार्टी का विरोध पूरे देश में करेंगे। आज हमारे लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि आप लगाओ राजपूत भी तो लड़ रहे भाजपा से, जो राजपूत भाजपा से लड़ रहे, क्या हमने कहा है कि उनका समर्थन करेंगे? नहीं कहा हमने, हमने कहा कि उनका भी समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिस पार्टी में रह के हमें गाली दी गई उस पार्टी का हमें मलाल है, क्योंकि वो हमारी अपनी पार्टी हम समझते थे, लेकिन उसी पार्टी में रह के उनके सांसदों ने हमारा अपमान करा,
और इस अपमान का बदला इस बार वोट की चोट से देने का पूरा प्रयास करें। क्या लग रहा है पश्चिमी यूपी की जो पहली आठ जो आठ सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है वहां पर एक बड़ी भूमिका निभा पाएगा, क्योंकि नाराजगी देखिए पीली ये जो आप बता रहे हैं, एक तो पार्टी में पहले से ही बितरघात की खबरें सामने आ रही हैं, पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं इसकी खबरें आ रही हैं, इस बीच क्षत्रिय समाज भी एकदम मोर्चा संभाले हुए है, तो क्या लग रहा है इस बार पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर? देखो राहुल जी, मैंने पहले भी कहा कि ये देश इस देश का नाम भारत नहीं है, इस देश का नाम कांग्रेस नहीं है, इस देश का नाम भारत है, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो चाहे पीलीभीत में रहे, चाहे वो कश्मीर में, चाहे वो कन्याकुमारी में, स्वाभिमान के साथ इस देश में कोई जाति, कोई व्यक्ति, कोई धर्म समझौता नहीं कर सकता। और ये पार्टियों को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को, भारत को जातियों में नहीं बांटा जा सकता, धर्म में नहीं बांटा जा सकता। कभी कभी एक्सीडेंटल कुछ ऐसे कार्य हो जाए, एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि उसकी वजह से जाति और धर्म का विद्रोह लेकर आप लोग लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप लगातार यदि जाति और धर्म पर चुनाव लड़ने का प्रयास करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेरा एक सवाल है, आपकी इतनी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, तो सवाल मेरा यह है कि जब अतुल गर्ग का नामांकन हुआ तो खुद राजनाथ सिंह आए, योगी जी भी कवायद में लगे हुए हैं आपको मनाने के लिए, लेकिन आप लोग जिद पर अड़े हैं कि इस बार तो भाई नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन सबक कैसे सिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? क्योंकि लगभग 80-90 के दशक से तो लगातार क्षत्रिय समाज जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। राजनाथ सिंह और यूपी की बात करूं, राजनाथ सिंह के बाद यूपी में राजपूत समाज के ही सीएम है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार चल रहा है आपका? पहले तो हमारा प्रयास, हमारा 100% प्रयास पहले तो ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जो हरावेगा उसे वोट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने खून से भारतीय जनता पार्टी को सींच लिया, या हमारी समाज के कुछ लोग हैं, हमारा उनसे भी निवेदन है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी के सिवा कहीं वोट नहीं करने का उनका मन था तो घर बैठ जाए इस बार, क्योंकि राजपूत समाज इस बार वोट करने के मूड में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को सारा हिंदुस्तान स्वीकार करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन वो लड़े, वो संघर्ष के लिए लड़े, संघर्ष करना हमारा स्वाभिमान के लिए लड़ना जरूरी है। वो बात कितने लोग स्वीकार करेंगे, वो किसे वोट करेंगे, ये उनका अपना विवेक और अपनी बुद्धि है। हम लोगों ने आह्वान करा, संघर्ष करा और स्वाभिमान की इस लड़ाई में एक संदेश दिया कि जिस पार्टी ने, जिस पार्टी के सांसदों ने बार बार हमारा अपमान करा, कभी हमारा अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, कभी कहा उन्होंने मुगलों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, उन लोगों को जवाब देने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो लोकतंत्र में हमारे पास वोट है। तो क्या पश्चिमी यूपी में इस बार समीकरण बदल रहा है? राजपूत समाज तो नाराज है ही, आज जिस तरीके से राज शेखावत को गुजरात में पुलिस ने पकड़ा जो वो प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, तो जो पगड़ी होती है उनकी वो गिर गई जब पुलिस से पूरा खींचतान हुई, तो इस पर राकेश टिकैत साहब है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कि देश के मौजूदा हालातों पर सबके विचार और मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर किसी की भी पगड़ी को ऐसे उतारना निंदनीय घटना है, हम सभी लोग पगड़ी को अपनी इज्जत मानते हैं और सर्व समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा है राजपूत समाज के अलावा पश्चिमी यूपी में और कुछ भी तैयारी चल रही है, और कुछ रणनीति, और भी कुछ समाज साथ आ रहे हैं या किसान साथ आ रहे हैं? राहुल जी, हमें बात आपको पूरी ईमानदारी से बताना, मैं ये कह रहा था कि ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई में राज शेखावत जी या हम लोग या महिपाल मकराना या न जाने कितने लोगों को अभी भेंट चढ़ाया जाए, हमारी गिरफ्तारी किस समय हो जा ये भी कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम ये बात दावे से कह सके आपके सामने कि राज शेखावत की पगड़ी नहीं, ये पूरे राजपूत समाज की पगड़ी पर हमला हुआ है, और राजपूत समाज पगड़ी के लिए पहले भी न जाने कितनी बार सिरों को कटवा के लड़ा है, इस बार भी न जाने कितने सिरों को कटने की बारी आई, तो हम लोग ये भी तैयार हैं, जो षड्यंत्र इन लोगों को कर रहा है सब करें, राज शेखावत अकेले नहीं है।
ऐसी आशंका क्यों लग रही है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है? भाई सरकार तो आपकी, हमें तो पता चला है, मान मनोबल की कोशिशें हो रही हैं, मनाने की कोशिशें हो रही हैं, आप लोगों को जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदर्शन का। हमारी एक बात मैं आपको बताऊं, हमें अंदेशा नहीं है, मतलब बात हम कह रहे कि जब राज शेखावत जी, भाई आपको गिरफ्तार करना था तो पुरुषोत्तम रूपाला को गिरफ्तार करो ना, आपको अगर गिरफ्तार करना था तो आप पहले कैराना सांसद को गिरफ्तार करते ना, आप गिरफ्तार मतलब उन्हें करोगे जो लोकतंत्र में अपनी बात कहेंगे, जो लोकतंत्र की आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन्हें आप गिरफ्तार करोगे और संरक्षण दोगे आप पुरुषोत्तम रूपाला, तो ये आप खुद समझ सके कि जो लोग इस आंदोलन में इस स्वाभिमान की लड़ाई में आगे बढ़कर ये विरोध करेंगे उन सबको जेल जाना पड़ेगा, उन्हें जेल भेजने का काम करा जाएगा, और हम जेल से डरने वाले लोग नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? तो जेल में कोई हमारे लिए ऐसा नहीं कि जेल हमारे लिए कोई नहीं चीज है, आप ये इल्जाम नहीं उठने देंगे। राज शेखावत ये उदाहरण है कि पुरुषोत्तम रूपाला को, तो आप क्या कह रहे हैं तानाशाही है? आप समझो पुरुषोत्तम रूपाला को गिरफ्तार करना चाहिए था कि राज शेखावत को गिरफ्तार करना चाहिए था? भाई वो तो उनकी पुरुषोत्तम रूपाला को गिरफ्तार करना चाहिए था कि महिपाल मकराना को गिरफ्तार करना चाहिए? वो तो पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता है भाई साहब, उनको अपनी पार्टी के नेता को ऐसे जी, उन्होंने तो माफी मांग ली फिर कौन के लिए मांगी, क्या माफी मांगी? माफी भी उन्होंने ये मांगी कि मेरी पार्टी को नुकसान ना हो रहे इसलिए मैं अपने शब्दों की गलती। अरे आप पार्टी के लिए तो आपकी पार्टी को नुकसान ना हो रहे, राजपूत समाज को चाहे जितना नुकसान हो जाए, राजपूत जितनी गालियां हो, तैयारी पूरी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरन जी एक सवाल और छोटा सा, पूरी तैयारी है, तैयारी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब गुजरात में पटेल समुदाय से ही आते हैं आपके पुरुषोत्तम जी, तो जब गुजरात में पटेल आंदोलन खड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट पहुंचा था, तो इस बार आप यूपी में, अगर यूपी की बात आपसे करूं, यूपी की 80 सीटों में से जिस तरह 7% आबादी है राजपूत समाज की, तो क्या लग रहा है आपको कि अगर आप खिलाफ भी रहते हैं तो क्या कितनी सीटों पर असर डाल सकते हैं? देखो योद्धा तो युद्ध में सिर्फ लड़ते हैं, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता हम लोगों को नहीं, जो भी परिणाम आएगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सबको जानती है, और ये भी वो अच्छे तरीके से जानती है कि जो हमारा अपमान सरकार में हुआ वो 7% नुकसान हो, वो 14% नुकसान हो, वो 27% नुकसान हो, लेकिन नुकसान निश्चित है जब तक भारतीय जनता पार्टी उस परिस्थिति को दोबारा पुनः नहीं समझेगी। नहीं, हमारा सवाल ये है कि अब आप 11 तारीख को एक महारैली करने वाले हैं, 16 तारीख की आपकी तैयारी है, तो क्या आपसे भारतीय जनता पार्टी के जो क्षत्रिय समाज के ही नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, और आपके जो संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं पश्चिमी यूपी में, क्या इन सब लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं की, आपकी जो शिकायत है उसको सुना नहीं गया, या सब कुछ बात हो गई है फाइनल, आप लोग मन बना चुके हैं? राहुल जी, हाँ तो राहुल जी आप अंदाजा लगाओ कि जब इन लोगों ने, इसी सरकार की हरियाणा सरकार ने हम लोगों पर लाठियां बरसाई, हम लोगों को जेल में घेर रखा कैथल के अंदर, जब सहारनपुर में हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तब ये लोग हमारे बीच में नहीं आए ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ जो घटना हुई उसका संज्ञान सरकार लेगी, गुज्जर समाज के हमारे भाइयों को भी बैठाते, राजपूत समाज के लोगों को बैठाते, और दोनों समाजों में जो इतनी बड़ी खाई पैदा करी अपनी ना समझी के कारण, आज उसका खामियाजा भुगतने का समय है। देखो राम मंदिर पे हम लोग वोट देंगे, धारा 370 पे हम लोग वोट देंगे, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, जातिवादी लोग नहीं है, और राष्ट्रवाद के लिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा सिर कटवाए, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे यदि भाजपावाद, कांग्रेसवाद, समाजवाद के नाम पे लोगों को ठगने का काम करा जाएगा तो ये किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं हो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर ठगा जा रहा है, जातियों के नाम पर बांटा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी पर आप बहुत बड़े सारे उदाहरण आपके पास हैं। आप बताओ पुरुषोत्तम रूपाला जी जब गालियां दे रहे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या काम था? लोकतंत्र में जो आदमी अभिव्यक्ति
की आजादी किसी को उखाड़ देने की थोड़ी है। उनका काम था कि भाई तुमने गलती करी, इसके खिलाफ एफ आई आर, उसका टिकट कटना चाहिए और ये राजपूत समाज से माफी नहीं मांगे, इसे जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या उसको उल्टा कि पटेल समाज में के होर्डिंग लगवा के ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया कि भाई पटेल समाज पुरुषोत्तम रूपाला के समर्थन में है। तो दो समाजों को गुजरात में बांटने का काम करा है, उत्तर प्रदेश में दो समाज को बांटने का काम किया, हरियाणा में दो समाज को बांटने का काम करा, राजस्थान में दो समाज। तो अब ये जातिवाद के नाम पे यदि वोट बटोरने का काम पार्टियां करती हो मोदी जी, तो ये फिर राष्ट्रवाद नहीं होगा। जाति के नाम पर हम वोट नहीं मांगते, वो तो शुरुआत से यही बात कहते आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जातियों में टुकड़े टुकड़े कर दिए, जातियों में बांट कर दिया। मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अच्छा मुझे बताओ, जाति मानते वो आज भी आपके पीलीभीत में थे। चलो मैं तो नहीं, नहीं मैं सिर्फ एक मेरा एक सरकारों से एक सवाल है कि यदि वो जातिवाद की बात नहीं करते तो फिर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, ये हर जाति का एक प्रकोष्ठ बनाया, हर जाति का एक नेता पैदा करा, तो फिर जातिवाद कर कौन रहा है? हिंदुस्तान में तो जातिवादी लोग हैं नहीं, एक गांव में सभी जाति के लोग रहे, प्यार से रहे, सब आपस में कोई झगड़ा नहीं। लेकिन हम कब बटे? हम जब बटे तब हम भाजपाई, कांग्रेसी, समाजवादी, बसपाई, तब हम पार्टियों के लोग बने। हमेशा एक रहा, एक जगह है। और ये जो लड़ाइयां है ना, ये हमारी लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई है, हमारी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। व्यक्तिगत लड़ाई तो दो भाइयों में भी हो जाएगी, लेकिन जातिगत लड़ाई नहीं है। जातिगत लड़ाई तब भी हिंदुस्तान में हुई, तो वो जब भी चुनाव में हुई राजनीतिक लोगों ने कर। ये जो जातियों में जो बांटने की आप बता रहे हैं साजिश हो रही है, जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, तो इसे रोकने का क्या प्लान है? क्या आप कोशिश करेंगे? आप जो बता रहे हैं गुजर भाइयों से लड़ाने की कोशिश हुई हमें वेस्ट यूपी में, उधर पटेल समुदाय से लड़ाने की कोशिश हुई, तो क्या आपस में सियासत से अलग मिलकर क्या इसका मतलब उपाय निकाल रहे हैं कि जातियों में ना बढ़ सके? बल्कि ये जो उपाय निकालेंगे नेताओं को इस पूरी मुहिम, नेताओं को जो राजनीतिक लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन सब लोगों को एक मुहिम चुनाव के बाद हम शुरू करेंगे। और अपने समाज में चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे वो गुज्जर समाज हो, इन सभी नेताओं को अलग करके हम लोग आपस में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। क्योंकि वो सांसदों ने, विधायकों ने लड़ाई शुरू करी और सांसद विधायक फिर दोबारा से लड़ाई करवाने का प्रयास कर रहे, इसलिए ये लड़ाई जातिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई बनाई उन लोगों ने कि मेरी वोट खराब ना हो जाए, आज मुझे समाज में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। हमारे हमारे समाज का तो एक नेता हमारे साथ खड़ा नहीं था, क्योंकि हमारे नेता जातिवादी नहीं, हमारे नेता राष्ट्रवादी थे, इसलिए वो हमारे लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं। माने राजनाथ जी, माने अनुराग ठाकुर जी, माने ब्रजभूषण जी, माने सुरेश राणा, माने संगीत, तुम एक नेता हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जातिवाद नहीं है, उनके अंदर राष्ट्रवाद है। और वो सारे नेता अपने समाज के साथ खड़े थे और किल की मार के हाथ में तलवारें लेके ये कह रहे थे हम पहले अपने समाज के हैं, हम पार्टियों के बाद में हैं, हम दूसरे समाज के बाद में। तो आपकी नाराज जातिवाद पार्टी कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद और विधायक उनसे है, किससे है आपकी नाराजगी? फिर क्योंकि इसलिए हमारी नाराजगी है, क्योंकि जब हम लोग उनसे उनके सांसदों के बारे में उन्हें सारी बात बता रहे थे, तब उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। अगर वो हमारी बात को उसी समय सुन लेते तो हम समझते हैं कि ये नौबत ना आती, ये दो समुदाय आपस में इतना बड़ा विद्रोह ना हो पाता। आज हमारे पास लोकतंत्र में लड़ने का कोई दूसरा तरीका थोड़ी है कि भाई हम लाठी से, डंडों से, तलवारों से लड़ेंगे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जिन सांसदों ने, जिस पार्टी ने हमारा अपमान करा, उन्हें हम पूर्ण रूप से जहां तक होगा बदला लेने का काम करेंगे। और लोकतंत्र में बदला सिर्फ वोट की चोट से मान को जिंदा रखना चाहता है। तो जब तक इन महापुरुषों के अपमान करने वाले नेताओं पे जेल ना भेजा जाए, इन पे मुकदमे कायम ना हो, जब तक राजपूत समाज इस व्यवस्था से अलग रह के पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर काम करने का
प्रयास है। तो क्या आप भी कहीं ना कहीं अब वही आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर जो विपक्ष लगाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान पर हमला हो रहा है, कुछ ऐसा ही आप भी बोल रहे हैं? नहीं, मुझे तो सिर्फ एक बात बता दो, आप प्रदीप चौधरी सांसद भाजपा के हैं, पुरुषोत्तम रूपाला सांसद भाजपा के हैं, वो मेरे प्रतिनिधि को जितनी बात हमारे गुज्जर भाइयों की सुनने का अधिकार था, एक मेरे प्रतिनिधि को इतनी मेरी बात सुनने का अधिकार था। तो मेरी बात अदालत में एक तरफा कार्रवाई अगर हो तो प्रतिनिधि किस चीज का है भाई? जब आपने वोट लिया तो 1 लाख वोट राजपूत समाज ने भी आपको दिया, तो वो प्रतिनिधि फिर राजपूत समाज किसके प्रतिनिधि को स्वीकार करे? तो हमारा रोना तो भाजपा जनता पार्टी में जो राजपूत समाज के इर्द गिर्द घूमती थी उनकी राजनीति, कहीं वो जिस तरह से ओबीसी की तरफ शिफ्ट हो रही है, कहीं इसको लेकर नाराजगी तो नहीं है? ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी कोई नाराजगी ओबीसी से नहीं है। हम कह रहे नहीं, अगर हम जातिवादी लोग होते महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम साहब सूरी नहीं होते। अगर हम लोग जातिवादी होते तो मां पन्ना धाई अपने पुत्र की बलि हमारे लिए नहीं चढ़ाना थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका पूरन जी, आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। यदि हम जातिवादी लोग होते तो भगवान श्रीराम भिल्ली के झूठे पेड़ नहीं खाते थे। हम जातिवादी नहीं है, नहीं लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरन जी, आपने अपनी तमाम शिकायतें नाराजगी जो भी थी उसको लेकर अपनी राय रखी, और साथ ही हम कहेंगे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आपने अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जता दी है, किसी भी वक्त पुलिस कहीं आपके दरवाजे पर दस्तक न दे दे, क्योंकि आपकी तैयारी है कि आप 11 अप्रैल 16 अप्रैल आपने भी अपनी रणनीति के तहत काम तेज कर दिया है। तो पूरन जी ने बताया किस तरीके से राजपूत समाज नाराज है, उनकी नाराजगी की वजह क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से वो कोर वोटर होते थे अचानक उससे इतनी नाराजगी, इतनी दूरी क्यों बढ़ गई, सब कुछ सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि बीजेपी ना सिर्फ धर्म, अब तो जो जातियों में बांटकर काम कर रही है, जातियों में समाज को बांटा जा रहा है, उन्होंने इस तरह के इल्जाम भी लगाए। तो उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम वीडियोज आप देखने के लिए हम बने रहिए अजीत अंजुन जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।